इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और आप खबर विभाग देख रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, टीम इंडिया का प्रदर्शन भी अच्छा चल रहा है। 3 मैचेस अब तक कुल खेले हैं, 2 में जीत मिली और 1 में हार का सामना करना पड़ा, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछला मुकाबला हुआ था। अब उस मैच में दिनेश कार्तिक चोटिल भी हुए थे। अब ये पता नहीं है कि दिनेश कार्तिक आगे के टूर्नामेंट में खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जो उनकी इंजरी हुई थी उस पर क्या अपडेट है बीसीसीआई ने ऑफिशियली अब इस पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो वर्ल्ड कप के बाद में जो आगे के दौरे हैं, न्यूजीलैंड जाना है टीम को खेलने के लिए, वहाँ पर टी20 सीरीज़ है, ODI सीरीज़ भी है, टीम का अनाउंसमेंट भी हुआ है, उसमें दिनेश कार्तिक का नाम नहीं है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन चेतन शर्मा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करते समय कुछ बातें कही। उनसे सीधे सीधे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दिनेश कार्तिक की टी20 से अब छुट्टी हो चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जल्दी से आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि न्यूजीलैंड सीरीज़ जो होने वाली है उस सीरीज़ में विराट कोहली भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है और KL राहुल को उनके पर्सनल रीजंस के वजह से ब्रेक दिया गया है। लेकिन दिनेश कार्तिक सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस पूरे मसले पर क्या कुछ चेतन शर्मा ने कहा है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इंग्लिश में जो उनके वर्ड्स हैं वो बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर ट्रांसलेट करके भी बता दूँगा। उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप इज़ गोइंग टू फिनिश सम डेज, सो वी नीड टू डिसाइड होम टू रेस्ट और नॉट। किसको रेस्ट दिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद में, किसको नहीं, ये डिसाइड करने वाली बात थी। इसके बाद दिनेश कार्तिक के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ही इज़ बीन परफॉर्मिंग एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर दिस सिलेक्शन। ये बात उनकी तरफ से थी। वो इस बात को मान रहे कि दिनेश कार्तिक ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस पर क्या सोच थी सिलेक्शन कमेटी की, अब अगला जो स्टेटमेंट है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा, बट दिस टाइम वी जस्ट थॉट ऑफ ट्राइंग डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स आफ्टर द वर्ल्ड कप, यानी कि वर्ल्ड कप के बाद में वो कुछ अलग बंच तैयार कर रहे हैं खिलाड़ियों के, जो कि टी20 क्रिकेट में आगे अपना योगदान दे सकते हैं, और उसके हिसाब से दिनेश कार्तिक को उन्होंने इस जॉब के लिए फिट नहीं माना। यानी कि जो उनका रोल दिया गया था उनको इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिनिशर के तौर पर वो खेल रहे थे, टी20 वर्ल्ड कप में भी उनको फिनिशर के तौर पर ही टीम में चुना गया था, परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हालांकि नहीं आई है। 3 मैचेस जो खेले थे नीदरलैंड्स के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आई, पहला जो मैच था उसमें 1 रन बनाया था और जो पिछला मैच था उसमें मात्र 15 गेंदों में उन्होंने 6 रन बनाए थे। तो ये कुछ था कुल मिलाकर के दिनेश कार्तिक के बारे में सिलेक्शन कमेटी की सोच का वो हिस्सा जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब आप भी प्लीज़ जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या दिनेश कार्तिक के अंदर अभी भी क्रिकेट बाकी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के खेल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर सिलेक्शन कमेटी उनको आगे क्यों नहीं खिलाना चाह रही है। प्लीज़ आप कमेंट करके इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। इस तरह की अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो, क्रिकेट की खबरों से अगर आपको जुड़े रहना हो, तमाम बाकी खबरों से भी अगर आपको जुड़े रहना हो, तो प्लीज़ आप खबर विभाग को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिएगा।